वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की, भाई बाले वाली। साखी रावी जाने की। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, उस समय गुरु जी जहाँ जाते थे वहाँ के सभी जीव भवसागर से पार हो जाते थे। धन गुरु नानक। जैसे एक चंदन का विटप अपने इधर गिर्द अन्य वृक्षी को भी संगोतित करता है, उसी प्रकार जो भी गुरु जी के निकट जाता था उसके ही भाग्य उदय हो जाते थे और वह भवजल पार कर जाता था। धन गुरु नानक। चलते चलते गुरुजी एक गांव के निकट गए। वहाँ एक पुरुष रावी नदी पर स्नान को आता था। एक दिन उसने देखा कि गुरु नानक देव जी बिराज रहे हैं और मर्दाना रबाब बजा रहा है। गुरुजी के मुख से पवित्र शब्द सुनकर वह पुरुष निकट आकर गुरुजी के चरणों पर नमस्कार करके बैठ गया। धन गुरु नानक। कुछ काल पीछे वह उठकर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहने लगा, हे प्यारी, आज मैंने 3 संत देखे हैं। यदि तू उनके लिए भोजन तैयार करे तो मैं उनको दे आऊँ। धन गुरु नानक। मैंने प्रण किया है कि उनको खिलाकर ही आप भोजन पाऊंगा। धन गुरु नानक। उसकी पत्नी ने पति की आज्ञा से बहुत शीघ्र भोजन तैयार किया। फिर वह भोजन लेकर गुरुजी के पास गया तथा भोजन गुरुजी के आगे रखा दिया तथा प्रार्थना की, हे महाराज, भोजन पाओ। गुरुजी ने उसका प्रेम देखकर मुझे बाला को कहा, हे बाला, तू इस भोजन में से चौथा भाग तो मर्दाना को दे दे और बाकी भोजन सभी में बांट दे। मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया तथा भोजन बांट दिया तथा भक्त को परम पूज्य उपदेश देकर गुरुजी आगे निकल गए। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। संगत जी और सुनने वाले, जितना हो सके उतना उस परमात्मा का नाम सिमरन करो। अमृत वेले से जुड़ो। जो अमृतवेले का टाइम है, रात को 12 से सुबह 6 बजे तक, आप आपके जीवन में काफ़ी बदलाव देखेंगे। अगर आप अमृत वेला आप चालू करोगे तो आपके जीवन में शीघ्र ही चेंजेस होंगे। जो आपके काम रुके हुए हैं वो सफल हो जाएंगे। अगर आप किसी पीड़ा से गुजर रहे हो वो आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी, क्योंकि नाम में बहुत ताकत है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था कि हर समय में सक्षम रूप में नहीं रह सकता, मतलब इंसान के रूप में नहीं हो सकता हूँ, बट मैं शब्द के रूप में हमेशा रहूँगा जब तक ये सृष्टि है। तो हमें गुरु नानक के शब्द से जुड़ना है, गुरु ग्रंथ साहब जी से जुड़ना है, उनकी दी हुई आज्ञा का पालन करना है, हमें नाम सिमरन करना है, ताकि जब हम मरे तो हमारा ध्यान हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारा पैसा या मेरा पैसा, कोई भी चीज़ में ना जाए। हमारा ध्यान जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा में, श्री गुरु नानक देव जी में। ये गुरु ग्रंथ साहब जी में भी और काफ़ी दूसरे जो वेद वेद हैं उन सब में लिखा हुआ है कि जो अंत समय परिवार को सिमरता है उसका जो जन्म है वो सुअर का जन्म होता है, पिग वाला जन्म।
जो हमेशा बच्चों को साथ में लेके घूमता है, जो मनुष्य अपने आखिरी समय दौलत का सिमरन करता है या उसे दौलत याद आती है तो उसे सांप की जोनी मिलती है, और जो मनुष्य अपने घर का बोलता है मेरा घर का सिमरन करता है जाने के टाइम पे भी कि मेरा घर करके मरता है, उसे भूत प्रेत यदि की आत्मा बन के उसी घर में उसे निवास करना पड़ता है, जो काफी दुखदायक होता है। तो और कई प्रकार के ऐसे चीजें हैं जो होती है, तो हमें अभ्यास करना है कि हम आखिरी समय में हमारे भगवान, हमारे इष्ट देवता, हमारे गुरु नानक जी या अल्लाह, राम, कृष्ण, गणपति पप्पा, कोई भी भगवान का हो, एक ही भगवान को पकड़ो, और अंत समय जब आपके मुख से आपका जो लास्ट श्वास निकले वो निकले उस नाम जपते हुए, जैसे वाहे गुरु, जैसे राम, अल्लाह, कृष्ण। तो यही छोटी सी विनती है मेरी आप लोग के चरणों में। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। अंतिम शब्द अब से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम सिमरो, इस कलयुग के टाइम पे आप भगवान से जुड़ो, उस परमात्मा से जुड़ो, वाहिगुरु सिमरन करो, राम सिमरन करो, अपना जीवन है सफल करो। और जितना हो सके ये वीडियो ऑडियो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ, ताकि बाकी के लोग तक भी पहुँचे हमारे गुरु नानक जी जी की कथा, वो भी जुड़े रहे, वो भी अमृत वेला संभाले, ताकि उसका लाभ आपको हो। छोटी सी विनती है, तरस करना मुझ पर और वाहिगुरु का हुक्म मानना, और भूल हुई होंगी तो मुझे माफ़ करना। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।